और पेंशन 4000 जो ओल्ड एज पेंशन है, जो पेरेंट्स बूढ़े हैं उनको ये देने का, और 10 लाख रुपए ये इंश्योरेंस राज्य आरोग्य ये देने का हमने वायदा किया। ये सारी चीजें हमने जो सोच समझ कर किए हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं है। यह हमारा प्रोग्राम हमेशा रहता है। जब इंदिरा गांधी जी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाए, मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट था। उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया, उसमें लैंड रिफॉर्म्स था, बैंक नेशनलाइजेशन था, इंश्योरेंस कंपनी का था, राजे महाराजाओं का तनखा बंद करने का था। ये कार्यक्रम को देख के उसके उस वक्त नौजवान सब कांग्रेस पार्टी के पीछे रहे और जीतते आए। वैसा ही कभी भी कांग्रेस, फिर सोनिया गांधी जी के वक्त हम ये यूपीए गवर्नमेंट में नए नए योजनाएं लाए, मनरेगा लाए, कंपलसरी एजुकेशन लाए, फूड सिक्योरिटी लाए, हेल्थ मिशन लाए, ये सब काम हमने किया। और ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोल सकते हैं? सिर्फ यही बोल सकते हैं कांग्रेस ने सत्ता, अरे तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है? 60 साल वाला बोल रहा है। तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले, क्या आजादी तुम लोग लाए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए? क्या बीजेपी लाई? क्या आपकी बीआरएस लाई? लाए हम, मेहनत करे हम। ये क्या बोलते हैं हमारे पास एक कलोकियल लैंग्वेज में, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। तो हम मेहनत करके देश को बनाए। इधर बीजेपी आके बोलती 70 साल में क्या किया, मोदी बोलते हैं, वो बोलते बोलते उसकी बी टीम, कौन सा बीआरएस, उसकी बी टीम भी वही बोल रही है। मैं समझता हूँ दोनों की मिलके हैं और उनको जो फायदा होता है वो करेंगे, वो लड़ेंगे नहीं। लड़ने वाले कौन है? सिर्फ कांग्रेस वाले, गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए लड़ने वाले हमारे लोग हैं। तो इसलिए आप मजबूती से काम करो। देखो मोदी जी चंद जगह जाके ये पेपर बांट रहे अपॉइंटमेंट का, आप देखे होंगे टीवी, टीवी हर टीवी उनकी है, वो बताते रहते हैं, उन्होंने एक ऐसा बांट रहे, आपको एक नौकरी, आपको एक नौकरी, पेपर आप देखे होंगे। अरे 30 लाख वैकेंसीज देश में है, रेलवे में है, बैंकों में है, विश्वविद्यालयों में है, सब जगह 30 लाख नौकरियां। इन्होंने देते कितना चिट्ठी, अपॉइंटमेंट ऑर्डर कितने लोगों को देते? 2000, 4000, 5000, और वो भी प्राइम मिनिस्टर बांटते हैं। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बांटा। ये नौकरियां के चिट्ठियां ऑटोमेटिकली ये क्लर्क भेजता है, डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी का साइन होता है, उसको लिफाफे में डाल के तुम्हारे घर तक आता है। तो यहाँ तो मोदी जी सबको ठहरा करके, शो करके, फोटो देकर सर्टिफिकेट तुमको नौकरी मिली जाए। अरे यहाँ 30 लाख देने के बजाय 2000, 3000, 4000 नौकरी देके आप देश के युवकों को बर्बाद कर रहे। हर युवक को क्या बोले आप? आपने ये कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कौन बोले? कौन बोले भाई? 2 करोड़ 9 साल में
नौ साल में 18 करोड़ नौकरी देने के बजाय सर्टिफिकेट दे रहा है। आप सुनिए, और उसके बाद बोले 15 लाख आना, वो कहाँ गए कि मालूम ही नहीं। किसी को मिला आपको? नहीं। तो ये भी झूठ। क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं? क्या पैसे लेके आप झूठ बोल रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ। अरे ये कैसा होता, एक देश का प्राइम मिनिस्टर वो कैसा झूठ बोलता है, मैं इतना दे रहा हूं। तो आप लेकर झूठ बोल रहे होंगे। नहीं नहीं है तो मोदी झूठ है। नहीं, मोदी सबको धोखा दे रहा है या नहीं? तो इसीलिए इन धोखेबाजों को, झूठ बोलने वालों को आप भरोसा मत करो। अपने कांग्रेस पार्टी को जिताओ। जग्गा रेड्डी तो यहाँ है, वो मजबूत है, तो है ये हाँ, एक जग्गा रेड्डी से सरकार नहीं बनती, एक रेवंत रेड्डी से सरकार नहीं बनती। ये तुम सब के सब मिलके हमारे पार्टी को लाना है, हमारे पार्टी को लाना है तो सब तुम मजबूत बनो। तो इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूं कि हमारे बड़े बड़े फैक्ट्री को बचाने के लिए, हमारे आज अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन इसको कम करने के लिए एक ही पार्टी ताकतवर है, वो कांग्रेस पार्टी। ये भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मजबूती के साथ लड़ो, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं, डरो मत, डरे तो हारे, तो जो डरता नहीं वो जीतेगा, जरूर जीतेगा। और हम किसी को डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि मजबूती के साथ लड़ो, और हमारे नौजवान साथियों को, हमारे महिलाओं को, हमारे युवकों को, किसान भाइयों को, सबको मैं अपील करता हूं, आप मिलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करो। और यहां पर जो हमारे रेवंत रेड्डी जी है, विक्रम है, हमारे जग्गा रेड्डी जी है, बहुत से हमारे दामोदर नरसिम्हा जी है, तो ये सभी मिलके कांग्रेस पार्टी को वापस ला रहे हैं। आपकी मदद की जरूरत है, आप मदद कीजिए। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। सबको धन्यवाद, नमस्कार।